खबर रामगढ़ से। रामगढ़ थाना अंतर्गत 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ गंदी नीयत से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग बच्ची की मां ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि शाम के वक्त घर के पास खाली खेत में मेरी 10 साल की बेटी शौच के लिए गई थी, तो गांव के ही 3 युवकों ने उसको उठाकर बाजरे के खेत में ले गए और गंदी नीयत से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बच्ची ने शोर शराबा किया तो गांव के आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, जिसके कारण वे लोग वहां से मौके का फायदा उठाकर भाग गए। पीड़िता की मां ने यह बताया कि जब उन्होंने इस बारे में उन लोगों के परिवार वालों से बात की तो उन लोगों ने उन्हीं के साथ हाथापाई शुरू कर दी और साथ ही उनके घर पर भी पथराव किया। पुलिस ने पीड़ित महिला के रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। DSP कमल प्रसाद मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल रामगढ़ थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया है इसी क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ। पड़ोस के ही 3 लड़कों द्वारा गलत इरादे से उसको खेत में ले जाने का आरोप लगाया है। उस संबंध में पोक्सो की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है SHO MIA के द्वारा।